दोस्तों बिजनेस तो हर कोई करते हैं, लेकिन सबको तरीका नहीं मालूम है करने का। जितने भी आजकल नए जो लोग पेपर प्लेट या बिजनेस कर रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी परेशानी है वो खुद, उनको वो उनका क्या दिक्कत है जो हम आज आपको बताते हैं। उनका दिक्कत है कि वो खुद ही येस भी करते हैं, खुद ही नो भी करते हैं, खुद ही डिसीजन लेते हैं और खुद ही कैंसिल भी कर देते हैं। तो सबसे बड़ा परेशानी है, आज हम आपको बताते हैं बिजनेस करने का सही तरीका। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और मैं इस बिजनेस को पिछले 10 साल से कर रहा हूं और आज मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि अभी ऑफ सीजन में आपको क्या करना। आज का जो हमारा वीडियो है वो आपको कुछ अलग ही मिलेगा, जो कि आपको मोटिवेट करेगा और आप अपने काम में स्थिर से रिलैक्स होकर अपना काम को कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के जो है सीजन थोड़ा सा ऑफ चलने के कारण बहुत लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं और बहुत लोगों को मार्केट में जाने के बाद उनको डिप्रेशन में चले जाते हैं वो, क्योंकि मार्केट वाले जो कस्टमर होते हैं वो ऐसे से आपके साथ डील कर लेते हैं, ऐसे से आपको बातें बता देते हैं कि आप लोग को कुछ ज़्यादा ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसी के ऊपर आज अभी वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो का आप लास्ट जरूर देखिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों आजकल की जो परेशानी है लोगों का, वो परेशानी सब दिन रहता है और हमेशा रहेगा। आप सोचेंगे कि ये परेशानी दूर हो जाए तो ये कभी नहीं दूर होने वाला है, क्योंकि ये ऐसा कोई भी बिजनेस हो उसमें परेशानी आता ही आता है। ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जिसमें परेशानी ना हो और जिसमें टेंशन ना हो। नौकरी में तो बंदा 8 घंटा 10 घंटा का ही टेंशन लेता है, 12 घंटे का ही लेता है, लेकिन बिजनेस में आपको 24 घंटे का टेंशन लेना पड़ता है, जब जाकर के बिजनेस कोई आगे चल पाता है, बिजनेस आगे बढ़ पाता है। तो आपको 24 घंटा ही टेंशन में रहना पड़ता है, चलता रहता है कि कैसे हम क्या करें जिससे कि हमारा बिजनेस आगे को चले। तो इसलिए 24 घंटा ही आपको टेंशन में रहना पड़ता है, 24 घंटा भी कम पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आजकल की जो परेशानी है लोगों का, तो वो है कि अभी सीजन ऑफ चल रहा है और लोग जा रहे हैं मार्केट में अपना सैंपल लेके, अपना जो भी प्लेट बना रहे, थाली बना रहे, उसको लेकर के मार्केट में जा रहे हैं। देखिए हम ये आइटम बनाते हैं, आपको अगर जरूरत पड़े तो आप हमें कॉल कीजिएगा या फिर आप हमसे मान लीजिए। तो सबसे बड़ी गलती जो आप है यही कर रहे हैं, एक तो कि अभी मार्केट में डिमांड नहीं है, सीजन नहीं है अभी इन सब चीज़ों का, और उसके बाद अगर आप मार्केट जाते हैं तो आपको ऑर्डर कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए अभी सिर्फ आपको ऐसे में आपको अभी स्थिर रहना है, आपको सिर्फ माल बना के स्टॉक करना है, क्योंकि एक तो डिमांड कम है मार्केट में, कोई सीजन नहीं है, ऑफ सीजन चल रहा है पिछले 1.5 महीने से, और हमारा भी 1.5 महीने से काम चल रहा है, लेकिन हम भी पिछले 10 दिनों से मेरा काम बंद पड़ा है, जबकि आज तक कभी मेरा काम बंद नहीं हुआ था, 24 घंटा मेरा काम चलता था, 12 घंटा चलता था कंटिन्यू। अभी 10 दिन से हम काम बंद कर रखे हैं और हम आपको दिखाते भी है कि अपना मेरे पास कितना स्टॉक में माल है अभी भी, और हम और भी माल बना रहे हैं। तो ये चीज़ अभी आपको दिखाते हैं, फिर आप देखिए, उसके बाद फिर आप आगे बात करते हैं। तो देखिए ये सारा जितना भी है मेरा बोरा कंप्लीट तैयार है, ये कम से कम अगर देखा जाए तो ये कम से कम मेरे पास में 150 बोरी तैयार है। तो 150 बोरा है और हम पेपर भी मंगवा रखे हैं स्टॉक में, देखिए ये सारे रील जो है रील भी मंगवा रखे हैं, ये जितना भी दिख रहा है ये आपको 5 टन रील है, ये हम अभी मंगवा लें कि अभी सीजन ऑफ है ये सब चलेगा, ये सारा माल भी रेडी है, देखिए ये सारा माल बना पड़ा है थाली। टोटल यही टाइम होता है ये सब स्टॉक करने का, क्योंकि सीजन में ये स्टॉक नहीं हो पाते हैं और डिमांड बहुत ज़्यादा आते हैं, ऑफ सीजन में ही इसको स्टॉक करने का होता है। देखिए ये सारा फिल्म भी हम मंगवा रखे हैं, ये कलर बाई कलर फिल्म भी है और भी फिल्म रखा हुआ है मेरे पीछे गोडाउन में, तो ये सब सीजन ऑफ में ही स्टॉक करना होता है, इस टाइम मार्केट करने का नहीं होता है, इस टाइम माल स्टॉक बनाने का होता है। और देखिए रोल भी मेरे बने पड़े हैं, इनमें से हमारा थाली भी रेडी हो रहा है, आज लड़के नहीं आए हैं, थाली बल मशीन नहीं चल रहा है आज, देखिए रोल भी सारा स्टॉक है। तो अगर ऐसे में हम माल बनाने की वजह जाएंगे पार्टी के पास, क्योंकि ऑफ सीजन है, तो कहाँ से हो पाएगा। तो आप भी इसी तरह माल तैयार करके रखिए, तो आप देख लिए कि मेरे पास कितना स्टॉक में है। तो ये स्टॉक में है तो ये नहीं टेंशन होना चाहिए कि मेरे पास माल पड़ा हुआ है, मेरा कैसे बिकेगा, हमारा इतना इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो वो चीज़ आपको क्या करना है कि अभी रेट बढ़ा हुआ है मटेरियल का और अभी मार्केट में डिमांड नहीं है, और ऐसे में अगर आप मार्केट जाते हैं तो आपको डीमोटिवेट के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां भी आप जाते हैं तो कोई भी आपको रिस्पॉन्स नहीं देगा, हर कोई आपको इग्नोर करेगा।
और जहां आपको रिस्पांस नहीं देगा अगर आपको इग्नोर करता है तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ गलत ही आएगा, अच्छा तो आएगा नहीं। हमेशा आप नेगेटिव ही सोचेंगे, पॉजिटिव नहीं सोचेंगे। और वो क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि आप जहां भी गए आपको ना के बजाय हाँ के बजाय ना ही मिला है, तो आपके मन में ऐसे भी आपका मन दुखी हो जाएगा कि यार इतना कुछ कर रखे हैं, इतने दिन से काम नहीं चल रहा, बंद पड़ा है। तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, जितना भी आपके पास में अगर इन्वेस्ट करने के लिए आप पूंजी रख रखे हैं या फिर मटेरियल रखा हुआ है, तो आपको इन टाइम में, इस टाइम में आपको उसको बना बना के स्टॉक करना है जितना भी ज्यादा से ज्यादा हो सके, जिससे कि आने वाले सीजन में आपके पास पछताने का रास्ता ना हो। क्या होता है सीजन में, से अभी ऑफ सीजन है, कोई नहीं पूछ रहा इस चीज को, लेकिन जैसे ही सीजन चालू होने वाला है, अभी 10 दिन आप वेट कीजिए, 10 दिन के बाद सीजन चालू होने वाला है, और 10 दिन के बाद इतना तेजी से सीजन चालू होगा कि आप उसको पूर्ति नहीं कर पाएंगे। और हमारे साथ कई बार इस चीज को हो चुका है और हम हर वक्त हर सीजन में हम इस चीज को फेस करते हैं, इसीलिए ऑफ सीजन में हम हमेशा माल बना के स्टॉक करते हैं। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा आप लोग से कि आप अभी घबराए ना। सबका कॉल भी आ रहा है, मैसेज भी आ रहा है कि हम जाते हैं मार्केट में तो हमें लोग इग्नोर कर देते हैं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। किसी पार्टी को कॉल करते हैं तो वो हमें इतना रेट बता देता है कि हम सोच के घबरा जाते हैं कि इस रेट में कैसे लोग डील कर रहे हैं। तो ये सब गलत बात है। पार्टी वाले का काम है आपको कम से कम रेट बताना, तो आपको क्या करना है, उनकी बातों को ध्यान नहीं देना है। अगर वो कहता है कि हमें इतना में आ रहा है तो आप उनके पास जाइए मत, क्योंकि अभी जाने की मतलब है मूर्खता। आपको अगर यदि बिजनेस चलाना है तो ऑफ सीजन में आप कहीं जाओ मत, ऑफ सीजन में माल बना के आप स्टॉक करो, जिससे कि क्या होगा, अगर यदि आप अभी माल बना के स्टॉक करते हैं तो आने वाले सीजन में आपका वो माल एक बार में ही सारा निकल जाएगा। अभी मेरे पास, हम आपको दिखाया, मेरे पास 100 बोरा कम से कम पड़ा हुआ है माल, और 150-200 बोरा का मेरे पास और भी मटेरियल पड़ा हुआ है, तो कुल मिला के 250-300 बोरा है मेरे पास में, जिसके जो कि पत्तल है 250-300 बोरा, समझिए कि 3.5 लाख पत्तल है मेरे पास। अब 3 लाख पत्तल हम रख रखे हैं तो सोचिए कितना इन्वेस्ट हम कर रखे हैं। तो अगर यदि इतना करने के बाद अगर हम घबरा जाते हैं तो हमारा बिजनेस चलेगा ही नहीं। तो इसलिए घबराना नहीं है, ऐसे सीजन में आपको मार्केट जाना ही नहीं है, सिर्फ माल बना के स्टॉक करना है। और बनाना क्या है, ज्यादातर आपको जो माल बनाना है वो है आपको थाली, क्योंकि ज्यादातर सीजन में थाली चलते हैं, शादी फंक्शन में ये सब थाली ही ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है, इन सबका ज्यादा ऑर्डर आता है। प्लेट वगैरह तो यूं ही मेल के लिए रखते हैं, हम तो बनाते ही नहीं है, बस मेल के लिए थोड़ा बहुत 100 में से 10% हम प्लेट वगैरह बनाते हैं, दोना प्लेट, बाकी 90% हम थाली पे ही फोकस करते हैं। और आप लोग को भी थाली पे ही फोकस करना चाहिए, वही ज्यादा आपको बना के बेचना चाहिए। लोग कहते हैं उसमें बचत नहीं है, बचत सब में बचत बराबर है, ऐसा नहीं कि दोना में ज्यादा प्लेट में कम है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपकी सोच के ऊपर डिपेंडेंट करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं, आपका क्या नजरिया है। तो इसलिए अभी आप कहीं ना जाएं और आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करें, अपना आपका जो माल है, जो मटेरियल है, आप उसको बना के स्टॉक करें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।